तैयार आ गए, गोबर गोबर लगा के अतुल जी हीरो बन गए। ये क्या बात है सर। मस्त। देखो हर कोई स्मार्ट लौंडा बन गया, एकदम तैयार होके नहा धो के सब रेडी हो गए, है ना? वी आर गोइंग टू समवेयर समवेयर इन कसोली कसोली समवेयर इन कसोली एंजॉयिंग लॉट्स ऑफ एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। बोलो क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आपने टीम के साथ ये भी फोटो नहीं लिए हो, बस सब घूम रहे हो, बस पता नहीं कहाँ किस दुनिया में। तुम खिंचाना नहीं चाहते मेरे साथ? आप है वो ही नहीं, पता नहीं किस दुनिया में आप लोग नहीं आते हो। आज मैंने अजय की घड़ी पहनी है, देखो बहुत अच्छी लग रही है मेरे पे। मुझे अभी थोड़ी खरीदोगे? नहीं, 1000 रुपए में डील हो गई। 1000 रुपए लो ना अपना। नहीं नहीं, अब तो आया। अरे यार क्या करेगा, मजा नहीं आ रहा। अरे क्या करेगा, लेके क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया अजय, क्या हो गया अजय, क्या अजय क्या हो गया? क्या व्यू है, क्या मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब मजे ले रहे हैं मौसम के। क्या बात, बाकी कहाँ हैं बाकी लौंडे, किधर हैं? हाँ भाई मौज आ रही है। क्या देखो क्या ठंडा ठंडा व्यू हो गया। अब हम कसोली पहुंच गए टॉप पे, हमें आने में यहाँ पे 1 घंटा लगा और ये सब भाई बंधु इकट्ठे हो गए, फोटो खींचने के लिए तैयार हो गए। जल्दी आओ सब। गाइस आवाज नहीं आ रही, हिप हिप। कश्मीर में सबसे ऊंची चोटी पर हैं हम लोग। दुआ भाई कश्मीर, तुम लोग कश्मीर पे हट के बड़े हो अभी तक। ट्रोल कंट्रोल। देखो कितनी धुंध हो गई है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, हमने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस समय बारिश का मौसम भी हो रहा है, धुंध हो रही है, ठीक है। अब ये रोड कसोली की तरफ जा रही है, मार्केट की तरफ हम वहाँ जा रहे हैं। हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी अपना टेम्पो ड्राइव का, अब वॉक करते करते सारे आगे चल रहे हैं। क्या व्यू है, बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज, अभी धीरे धीरे धुआं होने लग गया है और हम सब ने छत का सहारा ले लिया जहाँ हम भीगे ना। बाकी लोग कहाँ गए, मुंगी कहाँ गया, वॉशरूम गए? हाँ बेकार की तबीयत खराब हो जाएगी। देख रहे हो आप कितनी तेज बाइक स्टार्ट हो गई, ओहो अल्टीमेट बाइक स्टार्ट हो गई है, ये इस तरीके से चल रही है। पानी की बूंदों को फील करते हुए दोनों प्राणी देखो आप क्या फील ले रहे हैं पानी की। यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है दोस्तों, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आए और इस खूबसूरती का आनंद लें। ये खूबसूरती आपको यही कसोली में मिल सकती है। अब हमारी बरसात पैसे वसूल हो चुके हैं, बरसात दोस्तों हमारा घूमना सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। ठंड भी लगने लगी है, अब जाने की वापसी। रेनकोट और जैसी जरूर लाएंगे ताकि हम इसके बारिश का भी लुत्फ उठा सकें।
गर्मी का साधन लेकर आएंगे, गर्मी का साधन। मेजर ध्यानचंद का स्टैचू है, ये देखो ये पॉइंट है ऑफिस मेस। यहाँ हमारी फोटोग्राफी चल रही है, क्राउड बहुत अच्छा है, क्राउड आ रखा है। ये कसौली मॉल रोड, आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मॉल रोड नहीं है, बस थोड़ा सा है। यहाँ पे खाने पीने की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। शेर पंजाब आनंद ढाबा, वेज नॉन वेज। बारिश हो गई है तो थोड़ा गीला गीला मामला हो गया, वहाँ हमारी टीम वहाँ खड़ी है, आओ सर टीम वहाँ खड़ी है, ठीक है। देखो कितनी शॉपिंग, टॉयज वॉयज सब है यहाँ पे। सब वहाँ खड़े हैं, मॉम्स किचन। नहीं तो आए हैं, बोलते रहते। बेडशीट वगैरह देख लो, यहाँ बेडशीट देख सकते हो आप, एक्सपोर्ट बेडशीट। मोमोस क्या ले रहे हो? हाँ जी, क्या देख रहे हो, क्या शॉपिंग हो रही है? कुछ लिया भाभी के लिए? नहीं लिया, शॉल ले लो, अच्छे मिलते हैं शॉल। अरे नहीं, यहाँ के शॉल, यहाँ के शॉल कपड़े कुछ आपको पसंद आ रहे हो आप लो, शॉपिंग वॉपिंग करो, थोड़ा सा एंजॉय करो। वाह वाह वाह, मुगीज ने लिया शॉल, ये पील लेते हुए ठाकुर साहब शॉल की, ये मौज कर दी। गुलाब भी कुछ ले रहा है, वो भी तूने लिया? जहाँ बोलोगे हम तो वहीं चल लेंगे। और इधर है सिविल कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल ऑफिस, तहसील, इधर तो मॉल रोड हो गया। हाँ, और इधर वो लोग ऊपर गए होंगे, सनसेट पॉइंट चलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कसौली के सनसेट पॉइंट पे, और यहाँ का जो व्यू है ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, अगर आप कसौली आते हैं ज़रूर आएँ, और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का बेहतरीन नज़ारा। सो दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए। ये देखिए, यहाँ हमें क्लाउड्स दिख जाएंगे जो बहुत ही नीचे हैं। और तो दोस्तों देखिए, ये है नज़ारा कसौली के सनसेट पॉइंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड्स कितने पास हैं और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही ठंडा मौसम है। और मैं सभी को रेकमेंड करूँगा आप यहाँ ज़रूर एक बार आए और यहाँ के अच्छे एनवायरनमेंट का लुत्फ़ उठाएँ, बहुत ही अमेजिंग है ये। तो ये बेस्ट पॉइंट है, खाना अच्छा है इनका। तो अब हम मोमोज खाने बैठ गए, ठीक है। और ये हमारी फोटो भाई साहब, लोग कर दो ब्लॉग बना रहे हैं। मोमोज, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपकी दुकान का? अभी नई खोली, कल अभी नई खोली है उन्होंने भाई, ऑर्डर वगैरह चेंज नहीं किया होगा। अच्छा, उसी पुराने वाले नाम से खोल दो। तो बहुत अच्छे मोमोज हैं, मोमोज हमने खाए हैं, अभी मोमोज हम दो प्लेट खा चुके हैं यहाँ बैठ के। गरम हॉट मोमोज, ठीक है।
की चटनी, मोमोज की, ठीक है, मोमो चटनी सब्जी वगैरह डाल के अच्छे से। अब एक प्लेट मैगी मंगवाई है हमने, वेज मैगी, वेज मैगी सब्जी, चिकन के थोड़ा हाथ बात वो कर लेगा हमारे नॉन वेज खाते हैं सारे, वेज हाथ बात करना। ये सब वेजिटेरियन लोग हैं अच्छा सा। ये एक एक वेजिटेरियन चटनी और बनाई है। ये आ गई हमारी गरमा गरम। ओहो वाह, क्या क्या खुशबू है वो है। ओहो पेट भर गया खुशबू से। वाह वाह भैया, कुछ खाने वो तो दे दो, चम्मच तो दे दो, वो अलग से। अभी रात को पार्टी बाकी है, आज का अलग से ये पूरा सब कुछ सिस्टम। अभी लेक्चर भी होगा हमारा, बंदर घूम रहे हैं यहाँ पे, 1000 रुपए का है। हमने शॉपिंग करी, बंदर घूम रहे हैं, और छीनने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। देखो क्या सीन है, बंदर छीन के भाग जाते हैं सामान। जब भी आप कसौली आओ तो अपने सामान का ध्यान रखना। हाँ का मौसम है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत ही अच्छा क्राउड है, और बहुत ही अच्छे बंदर हैं। कृपया बंदर से बच के रहें। कसौली जब भी आए ध्यान रखें अपना और अपने बैग का, नहीं तो बंदर उठा के ले जाएंगे। ये यहाँ की कार पार्किंग है, लगी हुई बैठी सबको देख रहे कौन आ रहा जा रहा है। हो गया मजा, फुल मजा, मॉल बन गया अच्छे से। हाँ माहौल बन गया, लेकिन दोबारा जाना पड़ेगा माल रोड। कहाँ पे? वहीं चलेंगे दोबारा। क्या करने के लिए? एक बार चलेंगे वहाँ, क्या करना है? बहुत बढ़िया, What are you saying, man? आप गोरे कैसे लग रहे हो इतने कैमरे के अंदर? कैमरे का कमाल है। ये कच्चा पैदा हुआ था। शॉल दिखाना। हमारे कुछ खोए हुए प्राणी आ गए हैं, जो हमारे साथ भटक गए थे, और इनको आखिरकार हमने प्राप्त कर ही लिया, जो शॉपिंग करके। कहाँ भटक गए थे आप लोग? हम लोग सामान ले रहे थे। क्या सामान लिए? भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लिया? भाभी के लिए लिया। क्या लिया भाभी के लिए? स्टॉल लिया मॉल रोड से। मम्मी पापा जो भी है जिसके भी ले लिया, 600 की थी सर। बढ़िया भाई, अमीर लोग तो आप ही लोग, हम तो गरीब लोग। आप जा रहे हो वापस घर में, किसी को भाई बच्चे मम्मी जिसके भी यहाँ जो भी है कुछ सर कृपा करके ऐसे हम वीडियो में बनाए, क्योंकि मैं ब्लॉग में डालूंगा तो मेरी बीवी देखेगी, मम्मी देखेगी, अच्छा नहीं लगता सर। सब ने ले लिया। तुम्हें पहले सजेस्ट किया कि अपनी वाइफ के लिए कुछ ले लो। मैंने कुछ लिया ही नहीं सर, तभी तो ये दिक्कत है। ले लो वाइफ के लिए, ले लो आंटी जी के लिए, तुमने लिया लेना चाहिए। हम सर वो देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे तो मेरी पिटाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी सर। राशि ने नहीं लिया वो नहीं कहता। तो तुमने हेला क्यों पकड़ा? फिर वो शुरू करने गए थे। गलत बात है। मैं उस दिन वोट दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कोई देश के लिए सही प्रतिनिधि चुन लिया गया, तो लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा नोटा के लिए भी। आपको क्या है, आप नहीं जाते हो वोट पहचान पत्र, तो आपका वो जो आईडी कार्ड है वहाँ पे कोई भी टिक करके कोई भी पार्टी का जाके अंदर आपके नाम से वोट दे। राइट, ये बात आपने मुझे कही। अगली बार से मैं नोटा दूंगा। अब ये वोट देंगे उसका। नोटा नहीं, तुम मोदी जी को देना यार। ये बताओ मोदी ने क्या किया आज तक, ये बताओ। आप मोदी की साइड क्यों ले रहे हो सर? नीतीश कुमार को लेकर डिबेट कर, वो नहीं है प्लेटफॉर्म। नहीं सर, मेरे पास बहुत वीडियो बनाने के लिए टाइम लेना पड़ेगा मुझसे, तो रात को बनाएंगे। डिबेट करते हैं फिर मैं तुम्हें बताऊंगा की मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, बाकी तुम्हारा आम आदमी वाला नहीं। दोनों किसी पार्टी का थोड़ी हूँ, दोनों पक्ष आदमी हूँ, हम लोग आम आदमी है। अच्छे मोदी ने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया,
और तुम्हारे ये केजरीवाल ने क्या बुरा किया, चोर साला। देखो मैं किसी को चोर नहीं कहूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, हर किसी ने अपना फायदा उठाया। पॉलिटिशियन सारे चोर है, पॉलिटिशियन सारे चोर है। फर्क इतना है कौन ज्यादा है कौन कम है। एक बात बता दो सर, ये जो आपका आज अडानी बन गया तीसरे नंबर पे, कैसे भैया बिजनेसमैन है? आज तुम बिजनेसमैन, तुम भी बन सकते हो। अंबानी पे हाथ था कांग्रेस का, अरे कोई अदानी पे हाथ है बीजेपी का, ठीक है ये सच्चाई है। जो है ठीक है वो यार लिखा तो कहीं कुछ नहीं होता। हिमांशु कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, हर आदमी पार्टी को, हर आदमी का मैं आपको हिस्ट्री निकाल के दिखाऊंगा। मैं हिस्ट्री निकाल के दिखाऊंगा क्या मोदी आया तो बड़ा, कल को कांग्रेस आई, बीजेपी का पैसा किसके पास, बीजेपी का पैसा किसके पास देते पड़ते हैं भैया, ये सब बहुत छोटे। अदानी के पास मैं मामूली अपनी पत्नी को लड़ा था 20 लाख, केवल वो आ गया था आपका, वो चंदा आ गया था। बताओ वो क्या व्यू है ये टन का, कितनी ऊंचाई पे कसोली है भैया। 9 किलोमीटर पड़ता है ना ऊंचाई, 9 किलोमीटर ऊंचाई पड़ती है कसोली की, जो दिल्ली शिमला हाईवे है उसी के बीच में कट जा रहा है, और वहाँ से आपको 9 किलोमीटर एक कट है लेफ्ट में, अगर आप कटोगे तो आप कसोली पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कसोली भी इंजॉय करने आ सकते हो, जो शिमला जाते हैं वो कसोली इंजॉय करने आ सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप स्टे कर लो धर्मपुर में, ठीक है, और वहाँ से आप प्लान कर लो ऊपर कसोली एक दिन का इंजॉय करने का, क्योंकि तो यहाँ से मॉल रोड है और खाने पीने की अच्छी चीज़ें, दुकानें, चर्च है, सनसेट पॉइंट है, मॉन्की पॉइंट है, ये सब जगह आप घूम सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर हिल स्टेशन पे जाके रहो तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं अवेलेबल, यहाँ पे आप आके रह सकते हो। होटल है वेरी गुड प्रॉपर्टी। संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात नहीं है, सिंह सभा चला गया। देखो आप यहाँ पे कितना रास्ता छोटा हो गया है कि एक गाड़ी को पीछे लेना पड़ रहा है, और कितना मन में टाइप रास्ता हो गया। और ये देखिए जो हमारा रिजॉर्ट है फन रेजिडेंसी आ गया, इसकी एंट्री यहाँ से Yes, welcome. Welcome back. Welcome back, sir. Thank you so much, Manshu. Welcome back. Welcome, Ajay. इनको भगा भगा के लगाया, सब थक गए। Welcome. चलो गुलाब। पहले चलेंगे लंच करने ना? अरे वहीं चलते हैं लेके। कौन दोबारा जाएगा, कौन दोबारा आएगा? पहले लंच करने चलना है, जल्दी आ जाओ।